चेस्ट का वर्कआउट, चेस्ट का वर्कआउट थोड़े डिफरेंट स्टाइल से करने वाले हैं। नॉर्मल जैसे आपकी एक्सरसाइज वगैरह होती है वो वाली एक्सरसाइज नहीं होगी, थोड़े डिफरेंट स्टाइल में होगी। उसका रीजन ही बताऊं ऐसा क्यों है। तो वर्कआउट स्टार्ट होने से पहले हम ले रहे 3 टेबलेट डॉक्टर चॉइस नॉक्स प्रो की। जिनको नहीं पता है ये डॉक्टर चॉइस का नॉक्स प्रो क्या है, उनको थोड़ी डिटेल में दे देता हूं। इसके अंदर आपको मिलता है 80 नाइट्रेट मिलता है इसके अंदर आपको 1000 mg, साथ में डी एस्पार्टिक एसिड मिलता है इसके अंदर आपको 300 mg। ये क्या करेंगे, आपकी मसल गेन के अंदर हेल्प करने वाले हैं, आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। उसके अलावा सिट्रुलिन मालेट मिलता है 1000 mg, इसके अंदर सिट्रुलिन मालेट डालते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको मिलेगा आर्जिनाइन, जो कि आपके मसल पंप में बढ़िया हेल्प करने वाला। अगर आपकी बॉडी फैट थोड़ी सी लो है तो आपको वेंस वगैरह भी अपनी देखने को मिल जाएगी। सो अगर आप इसको डेली यूज में लेते हैं, 20 दिन आपको यूज लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको अपना स्टेमिना भी इंक्रीज होता नजर आ जाएगा। तो इसके 3 टेबलेट लेते हैं हम वर्कआउट से पहले। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है और इसके अंदर आपको रेड रंग के कैप्सूल मिलने वाले हैं। और हाउ मेनी कैप्सूल, आई थिंक इट्स 60, यस 60 कैप्सूल इसके अंदर मिलने वाले हैं। सर्विंग साइज इन्होंने लिखा है 3 टेबलेट, 3 टेबलेट सर्विंग साइज है इसका। रुकती नहीं है गले में, सही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी होती है मेडिसिन तो यहां जाकर रुक जाती है, गले में चिपक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो डॉक्टर चॉइस का नॉक्स प्रो एंड रेट की बात कर लेते हैं, साइड में दिखा देता हूं। 1400 रुपए के आसपास का पड़ेगा। 2 टेबलेट भी ले सकते हैं आपके, इन्होंने लिखा हुआ 3 टेबलेट, अगर 3 टेबलेट लेते हैं तो आपका ये 20 दिन चलने वाला है। अगर आप इसकी 60 टेबलेट है, अगर 2 टेबलेट लेते हैं तो लगभग आपका 30 दिन ये आपका चल सकता है। सो रिपीटिंग इट अगेन, अगर आपका बॉडी फैट लो नहीं है, आप मोटे हैं, थुलथुले, तो कोई वेन्स वगैरह दिखने वाली है नहीं आपकी, लेकिन आपको मसल पंप जरूर देखने को मिल जाएगा। सो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली आप लोग जैसे चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे बेंच प्रेस, फिर उसके बाद इंक्लाइन डिक्लाइन। लेकिन ऐसे नहीं करने वाले, क्योंकि देखो अभी क्या है, मेरे को शेप चाहिए। तो शेप के अंदर लाइक आई हैव टू डू ऑल दी एक्सरसाइज जिसके अंदर आपकी शेप दिखे। शेप के लिए क्या होगा, ऊपर की लाइन जो होती है बीच की, इसकी एक्सरसाइज होगी, बीच की लाइन होगी और डिक्लाइन की शेप के लिए एक्सरसाइज होने वाली है, ठीक है। नॉर्मल बेंच प्रेस नहीं करने वाले, चेस्ट के अंदर आप तीनों साइड से चेस्ट को टारगेट करने वाले हैं। सब क्रॉस केबल मशीन आपके जिम के अंदर होगी, उसके अंदर आपको ये जो होती है पुली, इसको बिल्कुल नीचे लगा लेना है। वेट लाइट रखना है, वेट लाइट रखना है, इस हिसाब से रखना है कि पहले रैप, पहले सेट के अंदर मिनिमम आपके 25 से 30 रैप लग जाए, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। रिपीटेशन ज्यादा रखनी है, नीचे लगा लेनी है आपको दोनों पुली, वेट थोड़ा लाइट रखना है और जैसे मैं दिखा रहा हूं करके आपको सेम ऐसे करना है। वन, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, इसके आपको मिनिमम 25 रिपीटिशन के आसपास आपको लगाना है इसका पहले सेट। पहले भी बता चुका हूं, रिपीटिशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्लियरिटी आपकी कटिंग के अंदर दिखने वाली है। ये वाली जो है एक्सरसाइज मेन आपके ऊपर का एरिया जो होता है ना, इसको टारगेट करती है। ये शेप जो आपकी दिखती है, ये लाइन इसको टारगेट करती है। तो इसके आपको 3 सेट लगाने, पहले नीचे से करना है, उसके बाद इसको करेंगे ऊपर से। तो ये है पूरी, ऊपर लगा लेना इसको, वेट लाइट रखना है, ठीक है। वेट मतलब इस हिसाब से रखना है, पहला सेट आपका लगे 25 से मतलब 30 रैप लग जाए, दूसरे सेट के अंदर आपके 15 से 20 रैप लग जाए, लास्ट सेट के अंदर आपके 10 से 15 रैप लग जाए। रिपीटेशन ज्यादा रखनी है, रिपीटेशन ज्यादा रखनी है, उस हिसाब से वेट लगाना। तो ऊपर से जब ये होगा तो आपकी डिक्लाइन, नीचे वाला जो होता है ना पोर्शन, ये वाला टारगेट होगा। देखो रिपीटिशन रखनी है 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
डिक्लाइन, ये पोर्शन टारगेट होगा, इससे ऊपर का हो गया, नीचे का हो गया, बीच का बच गया। बीच का करने के लिए अगर आपके जिम के अंदर बटरफ्लाई है मशीन तो वो कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको बीच में रखना बिल्कुल। वेट पहले भी बताया, सेम रखना है, 25 के आसपास रेपिटेशन लगनी चाहिए पहले सेट में। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसके भी 3 सेट मारने हैं। अपर हो गया, लोअर हो गया, बीच का मिडल हो गया, ये 3 लगाने हैं आपको इसके ऊपर। इसके बाद वाली एक्सरसाइज दिखाते हैं। इसके बाद आपको लगाने हैं पुल ओवर बेंच, जो है फ्लैट बेंच, उसके ऊपर लेट जाना है और ऐसे इसके लिए 3 सेट लगा रहे हैं आपको। वेट इस हिसाब से ही लेना है, रेपिटेशन अराउंड 15-20 लगे, ठीक है। रेपिटेशन आपको 15-20 रखनी है, ये आपकी डिक्लाइन मसल को टारगेट करता है। क्योंकि मेरी डिक्लाइन चेस्ट बहुत वीक है, इसलिए मैं ज़्यादा डिक्लाइन के ऊपर अभी फोकस कर रहा हूँ। जो आपका पार्ट वीक हो उसके ऊपर फोकस करो। अब जैसे कि मेरे नीचे की चेस्ट नहीं बनती है तो ज़्यादा एक्सरसाइज मैं किसकी करता हूँ, डिक्लाइन की। सो इसके बाद वाली एक्सरसाइज होने वाली है, आओ ये भी डिक्लाइन चेस्ट को टारगेट करेगा। ये वाली एक्सरसाइज जो है ज्यादातर लोगों से नहीं होती है। सो आपके पास एक उपाय है इसका, इसके अंदर हमारी मसल ऑलरेडी सोर मिलती है जब तक इस एक्सरसाइज का नंबर आता है। बट यू कैन डू इस, सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट करें, जिससे कि क्या होगा, बढ़िया आपके 15-20 रैप इसके लग जाएंगे। क्या तरीका करने का वो दिखा देता हूं आपको। थोड़ा सा इसके ना चेस्ट को टारगेट करना, माइंड टू मसल कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक्सर ट्राइसेप को भी टारगेट करती है। आपका माइंड मतलब रहेगा कि ये सारा लोड आप अपने चेस्ट पे दोगे तो चेस्ट पे ही जाएगा, अगर आप हाथ से उठाएंगे तो वो सारा लोड आपका ट्राइसेप पे जाएगा। देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके रेपिटेशन इतने ज्यादा नहीं लगेंगे, तो एटलीस्ट आपको 10-12 के आसपास तो रखने। ये तरीका यही है, अगर आपके इसके रेपिटेशन ज्यादा नहीं लगते तो आपको यहां से स्टार्टिंग करनी है, उसके बाद धीरे धीरे सारी एक्सरसाइज करो। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज। तो लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है हमारी चेस्ट प्रेस मशीन के ऊपर। ज्यादातर सारे जिमों के अंदर चेस्ट प्रेस मशीन अवेलेबल होती है। अगर चेस्ट प्रेस मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप डंबल लेके फ्लैट बेंच पे मार सकते हैं। आप बोलोगे एक्सरसाइज लास्ट में काहे को ली भाई, लास्ट में इसलिए लिए कि इतनी सारी आपकी चेस्ट की जितनी भी हुई एक्सरसाइज उसमें मसल पंप ऑलरेडी चेस्ट की आपकी हो जाएगी। दिस इज फॉर दी एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पंप भी आपको मिल जाए। ज्यादातर क्या होती है, ये एक्सरसाइज आपकी कंपाउंड मूवमेंट में काउंट होती है। आपकी चेस्ट प्रेस होगी और आपकी शोल्डर प्रेस होगी, ये साइज के लिए होती है, शेप के लिए आपको यही सब करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी के लिए अब मैं खा इतना ज्यादा रहा हूं नहीं तो साइज तो मेरा आ पाएगा नहीं। वट आई एम डूइंग इज मेंटेनिंग द सेम साइज वट आई एम ऑलरेडी हैविंग, उसी के अंदर शेप लेके आनी है मेरे को। सो ये लास्ट में मतलब ये प्लस के लिए हो गया थोड़ा सा, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, इसलिए लास्ट एक्सरसाइज होने वाली चेस्ट प्रेस मशीन के ऊपर। रेपिटेशन इसके अंदर आपको 12-15 जितने लग जाए, कोई रेपिटेशन ज्यादा से ज्यादा रखने
चेस्ट प्रेस के ऊपर क्या होता है, आपके रेपिटेशन ज्यादा लग जाते हैं, बेंच प्रेस में इतनी रेपिटेशन आपके लग नहीं पाएंगे। सो ये था मेरा चेस्ट का वर्कआउट शेड्यूल, ज्यादातर यही मैं लेता हूँ। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज है, जैसे शोल्डर के अंदर अलग टाइप से करता हूं मैं, तो नेक्स्ट जैसी वर्कआउट वीडियो आएगी उसके अंदर आपको बताना। अगर आपका गेनिंग का फेस है तो इतना आपको ये यूज में नहीं आएंगे एक्सरसाइज सारी, अगर आपका हटिंग फेस चल रहा है तो श्योर आप ये सारी एक्सरसाइज ट्राई करके देखो, बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। अभी क्या है, थोड़े सा मेरे को ऊपर की ये देखो आपको शेप जैसे दिखने लगी होगी, ये इन्हीं सब चीजों से आ रही है। जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है ये बेसिकली आपके चेस्ट की शेप और ये बीच की लाइन वगैरह इन्हीं सब चीजों को ये सारी एक्सरसाइज टारगेट करती है। बस नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए बता देना, और अगर आपको नोक्स प्रो डॉक्टर चॉइस का लेना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हूं, 1400 रुपए का 7 टेबलेट है, लेना चाहो तो आप ट्राई करके देख सकते हो। सो फ्रेंड मेरा साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड एंजॉय टिल नेक्स्ट वीडियो।